Hello friends, now I am going to explain the first animal tissue, that is nervous tissue. Nervous tissues. Strength. Question here, what is nervous tissue? What do you understand by the nervous tissue? So beta, an animal tissue which made up of neurons or nerve cells. Control and coordination. Comma is called nervous tissue. Nervous tissue. Strength. एक ऐसा एनिमल टिश्यू जो न्यूरॉन से या नर्व सेल से मिलकर बना होता है और जिसका रोल है कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन में, तो दैट टिश्यू इज कॉल्ड द नर्वस टिश्यू। अब क्वेश्चन है कि कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है? ओके, कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन का मींस है बेटा कि वेरियस ऑर्गन्स एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई के अगेंस्ट में एक रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए वेरियस ऑर्गन एक साथ मिलकर के वर्क करते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो सिंपल आंसर है द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ स्टिमुलाई, अगेंस्ट अ स्टिमुलाई इज नोन एज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी में जो टिश्यू हेल्प करते हैं वही नर्वस टिश्यूज कहलाते हैं। अब जैसे हम लोग, आई एम हियर टीचिंग टू यू, I am telling, I am writing here something, so my various organs working, okay? बेटा अब ये स्टिमुलाई जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, ठीक है? तभी मेरा स्टिमुलाई आप तक पहुंच पा रहा है और इसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, कौन सा टिश्यू कर रहा है? नर्वस टिश्यू। ओके, और जो आप प्रॉपर मेरे स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पांस देते हैं, ये रिस्पांस वहीं से आता है ब्रेन से, और किसके थ्रू आता है बेटा? वो है नर्वस टिश्यू। ओके, क्लियर है ना? तो बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेगा? नर्वस टिश्यू। अगर ये टिश्यू ना प्रेजेंट हो तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तो बना होगा पर हम लोग किसी टाइप की स्टिमुलाई का रिस्पांस नहीं कर पाएंगे। ओके, आई एम सेइंग दैट यू स्टार्ट टू राइट, यू पिक अप द पेन एंड स्टार्ट टू राइट। ओके, इट मीन दैट यू हैव नर्वस टिश्यू। ओके, यू हैव नर्वस टिश्यू एंड यू रिस्पॉन्डिंग अगेंस्ट माई स्टिमुलाई। यस या नो बेटा? जो मैं कुछ, अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक है स्टिमुलाई, ओके, और एक है बेटा रिस्पॉन्स। क्लियर? तो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स क्या है समझिए। स्टिमुलाई होता क्या है बेटा? द environmental change which have to produce which have
plants is called stimuli. जब तक कोई एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा तब तक कोई प्रॉपर रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल है देखिए, टू सी आ स्नेक, आपने एक स्नेक को देखा, ठीक है, आपने स्नेक को देखा, ये क्या है स्नेक, यहां पे देखना है कि स्टिमुलाई हो गया। अब इधर रिस्पांस क्या है, आफ्टर सीइंग, देखने के बाद यू रन अवे, ओके रन अवे, आप दूर भागने लगे, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ओके एनवायरमेंट में चेंज क्या आया बेटा, स्नेक देखा आपने, ठीक है, पहले नहीं था, अचानक आपको देख गया आपके पास में, अब बेटा क्या हुआ, आपने देखा और दूर उससे भागने लगे, ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, रिस्पांस आ गया, यस एंड नो। दूसरा एक रिस्पांस है बेटा, देखो स्टिमुलाई, देखिए एग्जांपल, टच द हॉट प्लेट, एकदम आपने हॉट प्लेट को टच किया, ठीक है, ये क्या है बेटा, स्टिमुलाई, ओके। अब बेटा नेक्स्ट है बेटा, टू लिफ्ट हैंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, तो ये क्या है बेटा, रिस्पांस, यस या नो। अब देखिए, टू लिसन द म्यूजिक, है आपने म्यूजिक को सुना, क्लियर, यस दैट इज स्टिमुलाई, स्टिमुलाई, ओके। और टू स्टार्ट डांस, आपने डांस करना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, रिस्पांस, ओके, क्लियर हुआ बेटा, स्टिमुलाई व्हाट इज रिस्पांस, ओके। नाउ इस टाइप से ये समझ सकते हैं। अब रिस्पांस क्या है, देखिए रिस्पांस, ओके, रिस्पांस क्या होता है, देखिए रिस्पांस द रिएक्शन, देयर रिएक्शन प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट अगेंस्ट द स्टिमुलाई, स्टिमुलाई किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट में जो रिएक्शन प्रोड्यूस होती है इज कॉल्ड व्हाट कॉल्ड बेटा, रिस्पांस, ओके रिस्पांस, हैव यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे मैंने स्टिमुलाई के भी एग्जांपल दिए, रिस्पांस के भी, ठीक है। एक यार आपको एग्जांपल इसका बहुत अच्छा देता हूँ, देखिए एक मिमोसा पुदीता प्लांट आपने देखा होगा, मिमोसा पुदीता, ओके, जिसे हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, ओके, टच मी नॉट, ठीक है, हाँ टच मी प्लांट, ये बेटा क्या, देखिए अगले मिमोसा पुदीता प्लांट में देखिए क्या होता है बेटा, जब इसकी लीफ को टच करते हैं, ओके, लीफ को क्या किया, टच, तो बेटा लीफ क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, लीफ फोल्ड हो जाती है, ये क्या है, रिस्पांस, ओके, क्या है बेटा, टच क्या है, स्टिमुलाई, ओके। इसी टाइप से बेटा वाटर एक स्टिमुलाई है, प्लांट्स को आपने वाटरिंग किया और ये स्टिमुलाई मिला प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स की रूट हमेशा वाटर की तरफ मूव करती है, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ रूट, रूट टुवर्ड द प्लांट, टुवर्ड द वाटर, टुवर्ड द वाटर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, रिस्पांस, ओके। तो यहाँ पे इस टाइप से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ये
प्रोसेस होता है कि स्टिमुलाई मिलता है और प्लांट रिस्पॉन्स करता है, इसी टाइप से स्टिमुलाई एनिमल को मिलेगा वो रिस्पॉन्ड करेगा। क्लियर? आप फिर आपको हंगर फील हुई और आप किचन में गए फूड खा लिया, ठीक है, तो फूड खा लेना ये रिस्पॉन्स है, हंगर क्या है स्टिमुलाई। तो ये सब कौन करा रहा है आपसे? नर्वस सिस्टम। ओके क्लियर बेटा? सो यू कम हियर, इट इज दिस बेटा।